हेलो, आज आपका जो लेक्चर है वो है लॉगरिथम्स। और लॉगरिथम्स मतलब आज हम लॉग पढ़ेंगे, जिसको हम लॉग के नाम से भी जानते हैं। तो लॉगरिथम्स में थोड़ा 9th-10th में भी होता है लॉगरिथम्स, तो लॉग के बारे में थोड़ा आइडिया होता है। लेकिन आज मैं पूरा बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक जो भी इसकी प्रॉपर्टी हैं सारी बताऊंगा, ठीक, नंबर बाई नंबर, A to Z पूरा लॉग के बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले देखो, लॉग को समझने के लिए ध्यान दो, हम एक इक्वेशन लिखते हैं x + y = 1। ठीक, हम इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं, दोबारा लिखते हैं। कैसे रीराइट? यानी कि x = 1 - y, ये इक्वेशन है, लेकिन हमने इसको ऐसे लिख लिया। कैसे लिख लिया? मतलब ये बता रही है कि व्हाट इज एक्स, ये वाली इक्वेशन क्या बताती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स। और इसको हम ऐसे रीराइट करें, y = कितना, 1 - x, तो ये एक डिफरेंट इक्वेशन हो, ये डिफरेंट इसका तरीका हो गया लिखने का। इक्वेशन एक ही है, लेकिन इस तरीके में हमें एक्स का सॉल्यूशन मिल रहा है, इस तरीके में वाई का सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक, तो हमने एक ही इक्वेशन को अलग अलग तरीके से लिखा है। अब एक और इक्वेशन देखते हैं, एक इक्वेशन जैसे कि a to the power n, मतलब जैसे a to the power n = x, इक्वेशन देखते हैं। अब इसमें इक्वेशन में क्या है कि हम x, यहाँ पे तो x = क्या है ये बता रही है, सॉल्यूशन ऑफ x। हम a भी लिख सकते हैं, a = x^(1)n, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इसमें है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि हम लिखे हैं 3^n = 81, तो इसमें हम बता सकते हैं क्या n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 4 होगी, इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, कैसे, ये 81 को हम लिख सकते हैं कितना, 3^4, 81 होता है 3^n, बेस सेम है, n = 4। अब इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि 2^n बताओ, सॉरी 2^n = 8 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n होगा 3 यहाँ पे, ठीक है, 2^3। लेकिन यहाँ पे 2^n = 7 कर दिया, अब बताओ n क्या होगा। तो अब आप ऐसे सीधे सीधे वैल्यू लिख नहीं सकते हो ना, प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई। तो इसी प्रॉब्लम को अब यहाँ पे देखो, इसमें हम पावर का सॉल्यूशन कर रहे थे, power = क्या है ये हम बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो फिर ये क्या है कि इसको लिखने का एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है। अब सिस्टम कैसे बनाया गया कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, हमने इसमें ये लिख दिया, ठीक है, ए व्हाट इज ए, ये भी बता दिया। अब व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट एन, एन को अब हम लिखेंगे, तो एक्सपोनेंट को जो लिखते हैं वही पावर होता है, वही पावर को ही हम एक्सपोनेंट से लिखते हैं। तो लॉग अब लिखेंगे ऐसे, लिखने का तरीका ये है, ठीक है, लिखने का तरीका log, ठीक, n जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो किसके इक्वल होगा, log क्या, ये जो राइट हैंड साइड में है x, और बेस a, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो बेस है वही बेस हम यहाँ पे लगाएंगे, बेस हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई कि a^n है, तो इसमें पावर का सॉल्यूशन n = लिखेंगे हम कितना, log x बेस a, यानी कि ध्यान दो n = बीच में से इसको हटा देते हैं, n = log x बेस a, तो ये पावर है, यानी कि पूरा log जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, पावर होता है। तो पावर क्या है, पावर n है, वही log होगी, और log किसका, x बेस a, a बेस इसमें भी है, बेस a, ठीक। तो ये इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, टू एक्सप्रेस द एक्सपोनेंट ऑफ द इक्वेशन a^n = x, वी यूज द लॉग फंक्शन सच दैट n = log x बेस a, ठीक, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, तो अब हम कुछ इसकी आगे, ये तो हो गई इसकी कहानी क्या है, ठीक है। जैसे हम इसी इक्वेशन को 2^5 = 32, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 32
की पावर 1/5 इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। लेकिन अगर हमें ये 5 को एक्सप्रेस करना है, 5 को एक्सप्रेस करना है, 5 इक्वल टू कितना होगा, तो 5 इक्वल टू होगा लॉग ठीक है, ये जो कुछ भी है एक्चुअल पावर क्या होगी, पावर होगी लॉग, जान दो पावर 5 है तो 5 ये पावर वो होगी क्या लॉग 32, लॉग क्या 32 बेस 2, बेस जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में वही लॉग इक्वेशन में बेस होगा ठीक है। फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखेंगे तो सबसे पहले बेस को लेंगे 2 ठीक है, और ये पूरा का पूरा लॉग एक पावर होती है जो किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, इक्वल तो 2 की पावर क्या 2 टू दी पावर ये पावर होगी, ये जो कुछ ही पूरा लॉग है वो क्या होता है पावर, और पावर कितना है ये पूरा का पूरा 5 है, 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू कितना 32, ये इक्वल में आ गया राइट हैंड साइड में ठीक। तो इसको एक्सपोनेंशियल को लॉग इक्वेशन में री राइट करना, या लॉग की इक्वेशन है उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में री राइट करना ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं क्या a टू द पावर n इक्वल टू x एंड a टू द पावर n इक्वल टू y। तो ये देखें हम, तो यहाँ पे इसकी लॉग की इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम लॉग की इक्वेशन लिखने के लिए इसको दोबारा से लिखते हैं, तो n पावर पावर क्या होगा पावर ही लॉग होगी लॉग x बेस a, इसी तरह से इसकी लॉग की इक्वेशन ये इसकी लॉग की इक्वेशन है ये इसकी लॉग की इक्वेशन है, m इक्वल टू कितना होगा m इक्वल टू लॉग by बेस a ठीक। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज इधर देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर वन है क्या कि लॉग वन बेस ए जीरो होगा, नंबर टू लॉग ए बेस ए इक्वल टू होगा वन, नंबर थ्री ए टू दी पावर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू होगा एक्स ठीक है। तीनों प्रॉपर्टीज को नंबर बाई नंबर हम देखते हैं ठीक है, तीनों कैसे आते हैं प्रूफ, मतलब इनका कहेंगे प्रूफ, लेकिन एक तीनों को एक क्वेश्चन की तरह करते हैं, तीनों प्रूफ को ठीक है एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये हमें पता है कि समथिंग बेस ए की कोई भी पावर, बेस ए की पावर अगर जीरो है तो क्या होगा वन होगा, इसको हम लॉग की क्वेश्चन में लिखते हैं, लॉग की क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले पावर, पावर ही लॉग होगा लॉग, और किसका लॉग होगा इसका वन का, बेस क्या होगा ए ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी खत्म ठीक है पी वन ठीक। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी को समझो, ए टू दी पावर वन इक्वल टू ए, अब इसमें लॉग, अब तो इसी तरह से लिखो वन पावर वन ही लॉग होगा लॉग ए बेस ए, लॉग ए लॉग ए ये वाला ए है, देखो ये वाला ए ये है और ये बेस वाला ए ये है ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, लॉग ए बेस ए यानी कि दोनों चीजें जब सेम हो तो इसकी वैल्यू होगी वन, लॉग की वैल्यू वन आएगी ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री है हाँ इसी को देखो, केवल इतनी चीज को देखो कि a टू द पावर n इक्वल टू x है, a टू द पावर n इक्वल टू x है, n कितना है लिख दो n log x बेस a, ये n की वैल्यू लिख दो ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने a टू द पावर n इक्वल टू x, इसी वैल्यू को a टू द पावर n इक्वल टू x और n की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, तो n की वैल्यू यहाँ पर लिखने पर a टू द पावर log x बेस a यानी कि ये बेस और फिर जो पावर आ रही है उसमें लॉग का बेस अगर सेम है तो क्या होगा कुछ नहीं वही नंबर होगा जो यहां पे है x ठीक। अब इसके आगे फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज हो गई,
अब प्रॉपर्टी नंबर फोर में हम ये दो इक्वेशन है, ये और ये, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन। तो ए टू द पावर एन की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और ए टू द पावर एन की वैल्यू वाई है, दोनों साइड बराबर हो गए, क्यों, इधर इसकी वैल्यू होती है, इधर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू वाई, लिख दिया हमने। अब ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो क्या होगा, ए टू द पावर एन प्लस एम पावर एड हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, और ये क्या होगा एक्स वाई, ये फिर से क्या बन गई, फिर से इक्वेशन बन गई एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का लॉग की इक्वेशन में लिखना तो अब आई गए, ठीक है। तो ये पावर को सबसे पहले हम पकड़ लेंगे एन प्लस एम, क्या एन प्लस एम, ये जो पावर है यही होगा लॉग, किसका लॉग होगा, एक्स वाई का बेस ए, बेस ए, ठीक है, एन देखो एन है लॉग एक्स बेस ए, एन की वैल्यू लिखो यहाँ पे, एम क्या है लॉग बाई बेस ए, लिख देता हूँ, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग बाई बेस ए इक्वल टू कितना, लॉग एक्स वाई बेस ए, ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी थी, मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर फोर, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग बाई बेस ए इक्वल टू लॉग एक्स वाई बेस ए, ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी हैं, इनका प्रूफ है, प्रूफ नंबर फोर, ठीक है, इसको नोट कर लो आप, प्रूफ फोर, ठीक फोर, ठीक है, इसी तरह से अभी रुको, अब इसके आगे देखो, ध्यान दो, फिफ्थ प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है, पहले फोर्थ प्रॉपर्टी को थोड़ा और समझ लो, प्रॉपर्टी नंबर फोर, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए प्लस लॉग जेड, और एक और नंबर बढ़ा दिया हमने, लॉग जेड बेस ए, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई जेड, ठीक, लॉग एक्स वाई जेड, ठीक, क्योंकि लॉग एक्स लॉग वाई, तो लॉग एक्स वाई हो जाएगा, फिर लॉग जेड, उसमें लॉग जेड वाई का काम करेगा, तीनों का इंटू हो जाएगा, मतलब ये देखो लॉग एक्स वाई इन दोनों का ए प्लस लॉग जेड बेस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये एक्स का काम करेगा, ये वाई का काम करेगा, यानी कि पहला नंबर एक्स वाई और दूसरे नंबर का क्या होना है, यहाँ पे इंटू होना है, इनका इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है, और कितने भी होते हैं यहाँ पे, कितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, log x प्लस log y प्लस log z प्लस log w वगैरह वगैरह, वो सब क्या होते हैं, यहाँ पे इंटू हो जाते हैं, ठीक है, बेस सेम रखते हैं, लेकिन हम ठीक, अब इसके आगे ध्यान दो, अगर इसी में हम y को भी x रख दें, z को भी x रख दें, तो यहाँ पे x इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये कितना है, log x प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, यानी कि थ्री टाइम्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब बेस ए, तो ये देखो थ्री पावर क्या हो गई, आगे आ गई, ठीक है, लॉग एक्स की पावर थ्री कितना है, थ्री लॉग एक्स है, तो इसी के यही प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिफ्थ प्रॉपर्टी में ही लिख लो, लॉग एक्स टू द पावर एन बेस ए,
x की पावर n है, इक्वल टू कितना n log x बेस है, n log x बेस है। इसी तरह से सिक्स नंबर प्रॉपर्टी, log x बेस a माइनस log by बेस a इक्वल टू log x अपॉन by बेस a, ठीक है, एक पर्टिकुलर बेस a सारे एक्सप्रेशन में होगा, अगर इसमें a है, इसमें a है, इसमें भी, इसमें भी a होना चाहिए, ठीक। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी के बाद अब प्रॉपर्टी नंबर सेवन, सेवन एट्थ और नाइन्थ एक साथ लिखता हूं। सेवन नंबर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज फॉर्मूला है, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नीचे तक थर्ड प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल थोड़ा करना सीखना पड़ेगा आपको, वैसे बच्चों की तरह करते हैं टेकिंग द लॉग बोथ साइड, वो हर जगह नहीं चलता है टेकिंग द लॉग बोथ साइड, ठीक है, लेकिन अगर उसकी जगह ये आप इसको अप्लाई करना सीख लोगे तो क्या होगा, आप टेकिंग द लॉग बोथ साइड से तो बचाओगे और बहुत सारी जगह पे आप इसको अप्लाई करोगे तो ये इससे आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो आगे, यानी कि डायरेक्ट एक्स को क्या, एक्स को अपने अभी लॉग में ले गया, इसमें लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, टेकिंग लॉग बोथ साइड वाला सिचुएशन नहीं है, एक्स को अपने आप ही क्या लॉग में ले लिया। अब ये यहाँ पर भी हमारी मर्जी है, हम ये ए को थ्री ले सकते हैं दोनों जगह थ्री लगे, ए को फाइव ले सकते हैं दोनों जगह फाइव लगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर थ्री का थोड़ा एक क्वेश्चन कर देते हैं, चलो अभी लोग ये सेवन एट नाइन लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी ये है लॉग एक्स बेस बाई, लॉग एक्स बेस बाई, लॉग एक्स बेस बाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग बाई, यानी कि नीचे जो बेस था ना उसका लॉग नीचे और एक्स का लॉग ऊपर, ठीक है, बेस का लॉग नीचे ले लेते हैं और अपनी मर्जी से दोनों में एक ही बेस लगा देते हैं, दोनों में बेस ऊपर नीचे कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, अपनी मर्जी से लगाएंगे, लेकिन मर्जी एक जगह जगह नीचे चला लो या ऊपर चला लो, ऊपर चलाई तो नीचे भी वही काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर मर जाए थ्री लगा दिया नीचे फोर लगा दिया बेस नहीं, अब अपनी मर्जी चलाओगे, मर्जी मतलब क्या होगा कि प्रॉब्लम में देखोगे कौन से बेस में हमें फायदा है वही बेस लगा दोगे, ठीक। अगर उसकी प्रॉब्लम कराऊंगा मैं, ठीक। एट्थ नंबर प्रॉपर्टी, एट्थ नंबर प्रॉपर्टी मैं ध्यान दो, log x बेस by इक्वल टू वन अपॉन log by बेस x, यानी कि आपस में इनको इंटरचेंज कर रहे हैं तो वन अपॉन आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक ये। और नाइन्थ नंबर प्रॉपर्टी, log x और बेस a टू दी पावर n, अपने ये देखा क्या कहते हैं x टू दी पावर n, तो n आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें बेस की पावर है ये ध्यान रखना, और ये log x है, log x बेस की पावर n है, और अच्छी तरह से लिखता हूँ मैं, बेस यहाँ पे इसकी पावर n, ठीक है, तो ये 1 अपॉन n और ये n डिवाइड हो जाएगा, यानी कि log x बेस a, log x बेस a, अच्छा नहीं लिखा, log x बेस a अपॉन n, n डिवाइड हो जाएगा। पहले तीनों को, तीनों प्रॉपर्टीज को कर लेते हैं, क्वेश्चन की तरह करते हैं, ठीक है। ये a टू द पावर n इक्वल टू x और a टू द पावर m इक्वल टू y, तो a टू द पावर n इक्वल टू तो x है, a टू द पावर n इक्वल टू x है, और a टू द पावर m इक्वल टू कितना है y है, अब हमें a रखना ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं इस इक्वेशन से a की पावर m इक्वल टू y है, इसको हम लिख सकते हैं कितना y टू द पावर 1 अपॉन m, a टू द पावर m इक्वल टू y, तो a इक्वल टू y टू द पावर, इस a को उठा के इस बार रख देते हैं, ठीक है, a को उठा के इस बार रख देते हैं a की ये वैल्यू, a क्या है y की पावर 1 अपॉन m है, a क्या है a लिख दिया और इसकी पावर m इक्वल टू x, a की पावर n इक्वल टू x,
और एक वैल्यू है, तो कुल मिला के यहाँ से क्या हो गया, बाई टू दी पावर एन अपॉन एम इक्वल टू एक्स, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लॉग में लिखना है एन अपॉन एम, यही पावर है और ये पावर ही लॉग होगी, पावर कोई लॉग से लिखेंगे और वो कितना एक्स बेस बाई। अब एन की वैल्यू क्या है बेटा, एन की वैल्यू है लॉग एक्स बेस है। अब देखो लॉग एक्स, अब ये ऐसे लिख देता हूँ लॉग एक्स बेस बाई, ये जो लिखा हुआ है इसको इधर, और एन की वैल्यू लॉग एक्स बेस ए अपॉन लॉग बाई बेस ए। अच्छा एन की वैल्यू लिखी है हमने, एन की वैल्यू लिखी है ठीक। अब इसमें ये देखो, हाँ ये अंतर ए है, ये वो नहीं है, कंपल्सर नहीं है एक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे लॉग एक्स अपॉन लॉग बाई, यानी कि जो बेस है उसका लॉग तो आप लेके नीचे और लॉग एक्स ऊपर, लेकिन ऊपर नीचे बेस लगा रहे हैं हम, क्या दोनों जगह बेस बी लगा दिया, बेस सी लगा दिया, कुछ भी लगाए ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे सेम ठीक है। नाइन्थ नंबर प्रॉपर्टी को फाइनली और देख लेते हैं, नाइन्थ नंबर प्रॉपर्टी है हाँ, लॉग एक्स बेस ए टू दी पावर एन, लॉग एक्स बेस ए टू दी पावर एन को हम फिर से बेस चेंज फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए टू दी पावर एन, जो बेस में है उसका लॉग नीचे ऊपर नीचे लॉग ए ए, अपनी मर्जी से बेस क्या लगा देते हैं, अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे, राइट हैंड साइड में देख के लगा रहे, राइट हैंड साइड में हमें बेस क्या है, राइट हैंड साइड में ए है, उधर ए है तो ये हमने चीटिंग करी, उधर से देख लिया ठीक है, ये चीटिंग भी करना पड़ेगा आपको, अगर कुछ प्रूफ करना है राइट हैंड साइड देखना है आपको तो जरूर थोड़ी आप अपने, हमारी मर्जी तो ये है नहीं, आपकी मर्जी थोड़ी चल रही, फिर देखो उधर जो है उसी के हिसाब से आपको बस कुछ नहीं, वो देखो चुपचाप वो ही बेस लगा, कुछ टेंशन नहीं लेना है ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तो लॉग एक्स बेस ए, लेकिन नीचे ये एन क्या होगा, आगे इंटू हो जाएगा लॉग, सॉरी एन लॉग ए बेस ए, ए टू की पावर एन है, वो क्या होगा यहाँ पर ध्यान दो, ये एन कहाँ आ गया, आगे टू हो गया ठीक है। इस प्रॉपर्टी से, फिफ्थ प्रॉपर्टी से लॉग एक्स टू द पावर एन एट द बेस ए इक्वल टू एन हो ठीक है, लॉग ए बेस ए कितना हो गया, लॉग ए बेस ए हो गया बट सेकंड प्रॉपर्टी से, तो कुल मिला के हमारे आ गए ये लॉग एक्स बेस ए अपॉन एन लॉग ए बेस ए वो बन गया ठीक है। तो ये नाइन्थ, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज है ठीक है, तो प्रूफ क्या है प्रॉपर्टीज का, लेकिन इसमें थोड़े से एक दो क्वेश्चन पहले करा देता हूं फिर उसके बाद बताता हूं उसके बाद की बात। अब ये देखो नाइन्थ 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 ठीक है, हाँ ये थोड़ा इसका क्वेश्चन करते हैं हम, बेस पहले इसका करते हैं थर्ड थर्ड का ठीक है, वो तो फिक्स है ठीक है, थर्ड का करते हैं, थर्ड में ये फाइव टू दी पावर लॉग 21 बेस 5 माइनस 3 टू दी पावर लॉग 5 बेस बेस के लिए हमने बेस 3 अपॉन 9 टू दी पावर लॉग 4 बेस 9 ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है। अब ये 5 टू दी पावर, ये देखो दोनों बेस यहाँ पे सेम है और फिर जो पावर में लॉग है उसका भी बेस सेम है, मीन्स ए टू दी पावर लॉग एक्स बेस ए, यानी कि ये a टू दी पावर log x बेस a, ये और ये सेम है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये क्या है 21 ही लिखा हुआ है, चुपचाप लिख दो ठीक है। 3 माइनस 5 ये देखो ये 5 लिखा हुआ है और नीचे इसी तरह से क्या लिखा, 4 21 माइनस 5 कितना हुआ, 21 माइनस 5 हो गया 16, 16 अपॉन 4 मीन्स 4 ठीक। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3।
ठीक है। अब आसान आसान है बस अभी, ठीक, ताकि आप प्रोसेस करना सीख जाओ, ठीक है। इसी तरह से बेस चेंज फार्मूला का थोड़ा एक आसान सा एग्जांपल देखो। बेस चेंज फार्मूला है हमारे पास लॉग कितना है, लॉग 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 क्या है, हाँ अच्छा ठीक, लॉग 81 बेस 21 ऐसे करो, लॉग 81 बेस में है और 27 ये इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। वैल्यू पूछी है थोड़ा सा आप इस पे वर्कआउट करोगे तो ये देखो लॉग 27 अपॉन लॉग 81 अगर बेस चेंज फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो लगा लो, ठीक है, बिना उसके भी हो जाएगा लेकिन लगा लेते हैं। सबसे आसान तरीका यही है, बेस चेंज फॉर्मूला लगा लो, ऊपर नीचे बेस एक ही बेस लगा देते हैं, कुछ भी थ्री बेस लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ राइट हैंड साइड में कुछ प्रूव करना होता उसमें थ्री वगैरह बेस हो रहा होता तो ज़्यादा सूटेबल हमारे थ्री बेस होता है। यहाँ पे कोई ऐसा हमें प्रूव नहीं करना, इसकी वैल्यू निकालनी है तो कुछ भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। लॉग 3 to the power 3 बेस ए अपॉन लॉग 3 to the power 4 बेस ए, 81 को 3 की पावर 4 ले लिया, ठीक है। प्रॉपर्टी से ये देखो 3 आगे इंटू हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 5, 3 लॉग 3 बेस ए अपॉन 4 ये है 3 की पावर 4 है तो 4 आगे इंटू हो जाएगा, 4 लॉग 3 बेस ए, ये तो कैंसिल हो गया सेम है, 3 अपॉन 4 आंसर आ गया, ठीक है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये हटा दूं, हटा देता हूं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसकी वैल्यू पता करो, लॉग 96 बेस 2 अपॉन लॉग 24 log 2 base 24 minus log 192 log 192 base 2 upon log 2 base 12, ठीक है। इसकी वैल्यू पता करते हैं, देखो इसको वैल्यू पता करते हैं तो 12 24 को डिवाइड करता है, 96 को भी डिवाइड करेगा, 192 को भी डिवाइड करेगा, 12 into 16 192 होगा। तो हम इसमें एक तो देखो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगा दें, हम बेस नीचे ले आए ये 24 को ऊपर लाए तो ये रेसिप्रोकल में यानी कि अपॉन हो जाएगा तो ये इसमें जाके इंटू हो जाएगा, बेस को 2 बनाओ, इसमें नीचे बेस को 2 बनाओगे तो लॉग 96 बेस 2 ये तो ऊपर है ही। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम इस प्रॉपर्टी से लिखें तो देखो लॉग 2 बेस 24 प्रॉपर्टी नंबर 8 पे गौर करो तो लॉग इसको हो जाएगा कितना, 2 बेस लेते हैं तो 1 अपॉन लॉग 24 बेस 2 ये हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। और जब यहाँ पे हम इसको 1 अपॉन में करके लिखें तो ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, इसके साथ इंटू हो जाएगा तो हम इसको हमने बात ये इसके साथ इंटू होगा लेकिन कैसे 1 अपॉन बेस 2 बनाएंगे तो 1 अपॉन 24 बेस 2 वो क्या हुआ इसके साथ इंटू हो जाएगा तो लॉग 24 बेस 2 ठीक ये हो गया और ये माइनस लॉग 196 बेस 2 इसकी वैल्यू निकाल दी है 196 बेस 2 और इसी तरह से ये कितना जाएगा लॉग ये ऊपर जाएगा बेस 2 बनाने पर लॉग बेस 2 पर ठीक है। देखो इस तरह है ये तो इसको क्या करो लॉग 12 को आप क्या करोगे लॉग 12 बेस 2 इसको एक एक्स नंबर मान लो एक्स क्या थोड़ा आसान हो जाएगा तो देखो अगर उसको आपने नंबर मान लिया तो लॉग 196 को कितना लिख सकते हैं हम लॉग 196 को लिख सकते हैं लॉग 2 to the power 4 16 इंटू 12 ठीक है ये 196 है 8 इंटू 12
सॉरी हाँ 16 into 12 196 होगा, इसको भी लिख सकते हैं हम log, ध्यान दो log, बेस 2 लेते हैं, 2 बेस में, ठीक है, 2 बेस ही, बेस 2 ही है, ठीक है, तो ये 2 और 2 की पावर 4 प्लस log 12 ऐसा लिख सकते हैं कि बेस 2, ठीक, कैसे log x y, इधर ध्यान दो log x y equal to log x plus log y, तो log x y equal to log x plus log y, अब 2 की पावर 4, जरा ध्यान दो 4 आगे आ गया, 4 आगे आ गया तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये 4 प्लस इसको क्या मान लिया हमने x, तो ये चीज क्या हो जाएगी log 196 हो जाएगा, इसको तो हमने x मान लिया, तो ये कितना हो गया 4 plus x, ठीक है, इसको हमने x मान लिया, तो ये हमने लेट कर लिया, यहाँ पे ध्यान रखना ये इसको लेट कर लिया क्या x, ठीक, ये हाँ तो ये x हो गया, तो वो 4 plus x हो गया, ठीक, हाँ तो 24, अब ध्यान दो 24, तो 96 को देखते हैं, 96 क्या था, log 96 ये 8 into 12 होगा, तो 2 की पावर 3 into 12, इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 प्लस log 12, बिल्कुल वैसे ही हो, 3 ये आगे आ जाएगा, base 2, base 2, ये तो कितना हो गया log 2 base 2, 1 हो गया, 2 प्लस log 12, यानी कि 2 प्लस x, तो सॉरी ये 3 आ गया, 3 है ना पावर, तो 3 प्लस x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस x, ठीक है, इसी तरह से ये 12, 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस x, ये हो जाएगा 1 प्लस x, ठीक, इसी तरह सॉल्व करेंगे, ये 1 प्लस x हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल दी, वैल्यू निकाल दो, ठीक है, ये बीच में माइनस लगा दो, ठीक, अगर आपने ये लेट कर लिया है तो ये इतना हो गया, और ये हो गया 3 इंटू 1 3 प्लस देखो 3x, और ये x, एक सेकेंड, 3 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इसको माइनस इसको इंटू करेंगे तो 4x प्लस x स्क्वायर खत्म हो गया, 4x खत्म, 3 बच गया, तो आंसर इसका आ गया 3, ठीक है, अब इसमें लगभग पूरी एक्सरसाइज हो गई आपकी, ये क्या है जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं उनमें लगभग एक्सरसाइज हो गई आपकी, ठीक, तो ठीक है, तो ये तो अभी वो सारी चीज़ें हैं, उतनी ही प्रॉपर्टी बताई अभी मैंने जितना के 11th 12th एकेडमिक लेवल में आप कंपटीशन वगैरह को फोकस नहीं कर रहे हो, जेई मेंस एडवांस, और केवल फोकस कर रहे हो अपने 11th 12th पे, तो उसके लिए प्लस ये अगर आपके पास भले ही बायो है तब भी ये वाली इतनी जो लॉग है प्रॉपर्टीज है, इतनी जो लॉग की कहानी है वो तो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये तो सबको पढ़ना है उल्टा, ठीक है, अब इसके आगे कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा और एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए अभी इसके आगे कराता हूँ, तो अभी इसको ब्रेक देते हैं, ठीक है, अब देखो ये नॉर्मली जैसे ये 1 upon 1 plus log x बेस है y z प्लस 1 upon 1 plus log और बेस log by बेस z x 1 upon 1 plus log z बेस x y, ठीक है, तो इसमें हम ये तो लिख ही सकते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला आ सकते हैं 1 upon 1 plus log x upon log by z, ठीक है, 1 प्लस ये क्या क्या बेस चेंज फॉर्मूला आ लिया, जो बेस में है टर्म उसका लॉग नीचे लिख लिया, ठीक, इसी को चलो आगे ये भी लिख लेते हैं 1 upon 1 plus log by upon log z x, ठीक है, प्लस 1 upon 1 plus log z
अपॉन लॉग एक्स वाई। ठीक है, अब हम इसमें नीचे एलसीएम लगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लॉग वाई जेड एलसीएम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा लॉग वाई जेड प्लस लॉग एक्स। ठीक, अब ये तो लॉग वाई जेड ऊपर चला जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहां पे लॉग जेड एक्स सिमिलर तरीके से प्लस लॉग वाई अपॉन लॉग जेड एक्स। ठीक है, जेड एक्स ये ऊपर जाएगा और ये वन अपॉन वन प्लस वन, वन नहीं है, ये लॉग एक्स वाई प्लस लॉग जेड। ठीक, अपॉन लॉग एक्स वाई। ठीक है, अब सब जगह एक ही बेस है, हम बेस नहीं लग रहे, थोड़ा और हो जाएगा, कुछ भी बेस हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हमने नेचुरल बेस ही ले लिया, ठीक है, ऐसा मान लिया, लिखने की जरूरत नहीं है बेस को यहाँ पे। ठीक, मतलब लिख नहीं रहे, ऊपर पहुंचा दिया हमने इसको, ऊपर पहुंचाएंगे तो ये कितना हो जाएगा लॉग लॉग बाई जेड अपॉन ये देखो ये कितना हो जाएगा लॉग बाई जेड प्लस लॉग एक्स, यानी कि एक्स इसमें इंटू हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड। इसी तरीके से ये लॉग जेड एक्स, लॉग जेड एक्स अपॉन कितना लॉग, ये क्या हो जाएगा जेड एक्स और वाई का इंटू होगा तो लॉग एक्स वाई जेड हो जाएगा ये भी, प्लस लॉग ये क्या, अब देखो एक्स वाई ऊपर पहुंच जाएगा, लॉग एक्स वाई ये तो ऊपर गया और नीचे कितना हो गया लॉग एक्स, सॉरी लॉग एक्स वाई जेड। ठीक है, लॉग एक्स वाई जेड इसको हम लिख सकते हैं कितना लॉग एक्स वाई जेड, तो सब में एलसीएम आ जाएगा नीचे लॉग एक्स वाई जेड और ऊपर देखें ऊपर तो ऊपर कितना हो जाएगा लॉग वाई जेड जेड एक्स प्लस सॉरी इंटू एक्स वाई। ठीक, जो फाइनली हमारा इसको देखेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यानी कि टू लॉग एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये क्या जाएगा टू लॉग एक्स वाई जेड, टू लॉग एक्स वाई जेड, जो लॉग एक्स वाई जेड लॉग एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा टू, टू जो ये बच गया ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो क्या जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर क्या होगा टू होल पूरे इसका स्क्वायर है तो ये टू आ गया जाएगा स्क्वायर का। ठीक, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया टू। ठीक, हाँ नेक्स्ट, अब देखो ये प्रॉपर्टीज हैं इनके, क्वेश्चंस वगैरह ये मैंने कराए। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो कहानी है ये 11th 12th केवल एकेडमिक प्लस बायो भी है तभी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इन प्रॉपर्टीज का आना जरूरी है, ये सारी चीजें आना जरूरी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की लेते हैं जो कैसी है, हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी एडवांस है तो अब उसमें आगे सबसे पहले देखो ये चीज ध्यान दो लॉग वन बेस ए तो जीरो है, लेकिन लॉग जीरो अब कभी पूछा जाता है कि लॉग जीरो कितना होगा, तो लॉग जीरो को क्या बोल देते हैं बच्चे, वन वन जीरो याद रह जाता है, वन बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये पहली बात लॉग जीरो ही नहीं होता है, लॉग जीरो डिफाइन नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या, ये लगभग जीरो है, जीरो के बहुत करीब, यानी कि पॉइंट जीरो जीरो पॉजिटिव है और जीरो के बहुत करीब है, पॉइंट जीरो 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 जीरो, यानी कि हम उसको जीरो डैश लिख देते हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो डैश पॉजिटिव बट जीरो डैश, चलो जीरो पॉजिटिव लिख देते हैं, जीरो पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो है, यानी कि पॉइंट जीरो 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 बहुत सारे जीरो के बाद में मान लो हमने पढ़ लिख दिया, तब इसकी वैल्यू जो होगी अब इक्वल नहीं लिखेंगे, टेंडिंग टू क्या माइनस इनफाइनाइट, इसी को इनकरेक्टली पढ़ते हैं कि लॉग जीरो
की वैल्यू क्या होती है, लॉग जीरो माइनस इनफाइनाइट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लॉग जीरो माइनस इनफाइनाइट, लेकिन इससे हम काम चलाते हैं क्योंकि अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं, बल्कि सही इसका तरीका होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट होगा ठीक बेस ए, अगर बेस ए कैसा है वन से बड़ा है और टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट होगा अगर बेस कैसा है वन से छोटा और जीरो से बड़ा, इसके लॉग के भी वन से बड़े बेस के लिए वन से छोटे बेस के लिए अलग अलग बिहेवियर होते हैं ठीक है। जैसे ध्यान दो कैसे कि ये देखो लॉग बेस ए और यहाँ पे हमारा क्या है, अरे चलो ऐसे समझते हैं, देखो टू टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, इसको देखो टू टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, लगभग जीरो होगा, टू टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होगा। अब इस ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो क्यों होगा, अच्छा ठीक है टू टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट वन अपॉन टू की पावर इनफाइनाइट, इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको जब हम इतना लिख सकते हैं तो वन अपॉन इनफाइनाइट टू की पावर इनफाइनाइट टू को इनफाइनाइट टाइम से टू करते हैं क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, वन अपॉन इनफाइनाइट मीन्स क्या जीरो ठीक है। ये सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं हाँ, लेकिन हम इससे ही समझते हैं इसको, तो टू की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो है, टू टू की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या है जीरो है, तो माइनस इनफाइनाइट क्या होगा लॉग जीरो बेस टू, अब बेस यहाँ पे क्या था वन से बड़ा है तो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है ठीक है, वन से छोटा होगा इसी तरह से प्लस इनफाइनाइट आएगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको आपको याद रखना है ठीक। नंबर 10 में नंबर 11 नंबर प्रॉपर्टी एक्स टू दी पावर लॉग बाई बेस ए और y टू दी पावर log x बेस ए, आपस में क्या करते हैं x y को इंटरचेंज करते हैं इधर ठीक है, तो ये भी क्या होगा इक्वल होगा, इक्वल होगा। इसको समझने के लिए देखो ध्यान दो, हम टेकिंग log बोथ साइड दोनों साइड log लेते हैं और वो भी a बेस पे, तो देखो ऐसे लेते हैं log और ये log और a बेस पे हमने इन एक्सप्रेशन का log लिया, तो ये देखो ध्यान दो हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर log by बेस a और y टू दी पावर log x बेस a ठीक है, तो ये देखो ये x की पावर है तो ये आगे टू हो जाएगा, यानी कि log by बेस a ये आगे टू हो गया ठीक है, इसी तरह से अच्छा ये log x बेस a और इधर log x बेस a इंटू log by बेस a ठीक है, ये दोनों साइड क्या हो गई बराबर हो गई log x log y log x log y सब जगह बेस a क्या हो गया इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि ये सही है ठीक हाँ, लेकिन ये log लेना कुछ एडवांटेज है यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन log की प्रॉपर्टी अभी हम log नहीं लेंगे ठीक है, थोड़ा और समझो इसको कि ये हमारा a टू दी पावर n इक्वल टू x और a टू दी पावर m समथिंग y है ठीक है, तो यहां से हम a को लिख सकते हैं क्या x टू दी पावर m सॉरी x टू दी पावर 1 अपॉन n और यहां से a को लिख सकते हैं y टू दी पावर 1 अपॉन m ठीक है, तो दोनों a को बराबर कर दो, यानी कि x टू दी पावर 1 अपॉन n और y टू दी पावर 1 अपॉन m बराबर हो जाएंगे नहीं, ये देखो ठीक, इसका मतलब हाँ ये हमने लिया था शुरुआत में और इसमें n और m की वैल्यू भी दी थी ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे n क्या होगा, n होगा कितना log x बेस a, m होगा log by बेस a ठीक है। अब ये दोनों तरफ एक और काम करते हैं, दोनों तरफ क्या m इंटू एन पावर, m इंटू एन पावर दोनों तरफ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है, n से इधर n कट जाएगा, m से m कट जाएगा, x टू दी पावर m हो जाएगा और y टू दी पावर n हो जाएगा, और m और n की वैल्यू यहां से हम क्या करते हैं लिख देते हैं, तो x टू दी पावर m
और m है क्या, देखो ध्यान दो, m है log by base, log by base a, और n कितना है, n है y, sorry y की पावर n, और n की वैल्यू है log x base a। ये दोनों क्या हो गया, दोनों a को इक्वल करने से ये आ गया। ठीक, तो ये 11th नंबर प्रॉपर्टी है। ठीक, इसको भी आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। अब इसके आगे इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं तो अभी ये सारी प्रॉपर्टी मैं लिखा रहने देता हूं। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले एक और चीज, वन मोर थिंग। अब कैलकुलस में लॉग का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं होता है, तो ये क्या कहते हैं, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है कि लॉग एफ एक्स और बेस जी एक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर, किसके लिए, एफ एक्स, ये नेगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं होता, जीरो का लॉग भी डिफाइन नहीं है, यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड बेस भी, बेस भी क्या होता है, हम बेस चेंज कर रहे हैं, लॉग जी एक्स नीचे लिख जाएंगे, यानी कि उसका भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, उसका भी लॉग है तो वो भी ग्रेटर देन जीरो। लेकिन जी एक्स वन हो गया तो लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो जाएगा। एंड और साथ में ये भी कि जी एक्स शुड नॉट इक्वल टू वन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी इसकी अब इक्वेशन जिसमें वेरिएबल आएंगे, इन इक्वेशन जिसमें वेरिएबल आएंगे, हमें ये कंपलसरी ध्यान रखना होगा, इसको ध्यान रखते हुए हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसको सारी प्रॉपर्टीज को मैं हटा देता हूं। सारी प्रॉपर्टीज को हटा के इसको लिख देता हूं ऊपर, लॉग एफ एक्स जी एक्स बेस है। ठीक है, कब डिफाइन होगा, एफ एक्स हमारा क्या हो, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जी एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, और साथ में जी एक्स शुड नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, ये तीन कंडीशन कंपलसरी होल्ड होनी चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। ये इसमें इसके इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। ग्राफ तो देखो, ग्राफ में बेसिक तरीका वही है ग्राफ का, क्या कि एक्स वैल्यूज रखते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन वाई हमने मान लिया थोड़ा समझने के लिए, वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू। ठीक है, तो x की वैल्यू जब होगी 2, x की वैल्यू कितनी होगी 2, तब देखो 2 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1, x जब 2 होगा तो ये बेस भी 2, तब इसकी वैल्यू होगी 1, लेकिन जब इसकी वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू 1, तो log 1 0, ये 0, यानी कि x 1 और y की वैल्यू 0, यानी कि 1, 0 एक पॉइंट आ गया आपके पास, और दूसरा पॉइंट आ गया कितना 2, 1। एक्चुअली ये हम log x बेस 2 के लिए वो कर रहे हैं, बाकी ग्राफ इसी तरह के होंगे, एक उसकी शक्ल आ जाएगी इससे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, अब ये देखो, जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो log बेस 2 और ये 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो ये 2 आ गया जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4 पे वैल्यू कितनी होगी 2, यानी कि एक पॉइंट मिल गया 2, 4। ठीक, अब एक माइनस 1 भी रख लो, वैल्यू माइनस 1 रखी हमने वैल्यू, तो ये इस पे log x बेस 2, तो x की वैल्यू कितनी, ओ सॉरी नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते, 1 अपॉन 2, x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1 अपॉन 2 का मतलब 2
2 की पावर माइनस 1, 1 अपॉन 2 का मतलब 2 की पावर कितना माइनस 1, इसका मतलब 1 अपॉन 2 को 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो, माइनस 1 आ गया जाएगा, माइनस 1 इंटू लॉग 2 बेस 2, माइनस 1 लॉग 2 बेस 2 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1 बाई 2 का कितनी माइनस 1, इसे ही पॉइंट से काम चल जाएगा, 1 बाई 2 पे वैल्यू कितनी है माइनस 1 है। अब ये हम ग्राफ बना देते हैं लॉग का, ठीक है, तो एक तो पॉइंट है कितना 1,0, ये 2, 3, 4, ठीक है इतना ही बहुत है, और ये 1/2, तो 1/2 पे तो वैल्यू कितनी है माइनस 1 है, माइनस 1 मीन्स ये देखो ये माइनस 1 लगभग, ठीक, और ये 2 पे वैल्यू भी लिख देते हैं, 2 पे वैल्यू कितनी है 1 है, 2 पे वैल्यू है 1, 1 ये देखो ये पॉइंट लेते हैं ये ठीक है 2,1 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट्स हम क्या करते हैं मिलाते हैं, और देखो 0 पे ये लगभग जब 0 होगा ठीक है उस समय क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट यानी कि ये हमारा ग्राफ कैसा होगा इधर से आएगा माइनस इनफाइनाइट से, ये देखो यहाँ पे 1/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पे हो जाएगी माइनस 1, 1/2 पे वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, लेकिन 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके बाद में 2 पे वैल्यू होगी 1, ठीक ठीक है, इसी तरह से और भी पॉइंट्स होंगे उनको मिला देते हैं हम, ठीक है ये पॉइंट्स मिला दिए हमने, ठीक, तो ये किसका ग्राफ बन गया लॉग एक्स का, ठीक, इधर ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इधर हम इसको जलता हुआ नहीं दिखाएंगे ग्राफ को, और लॉग जीरो की वैल्यू कहीं भी लॉग जीरो की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और देखो एक्स जब ग्रेटर देन जीरो है तभी ये डिफाइन है, ठीक, यानी कि इसका डोमेन जो एफ एक्स यहाँ पे हमने क्या लिया एफ एक्स, यानी कि यहाँ जो कुछ भी हो यहाँ पे, तो अभी हमने इसमें क्या लिया है इसमें हम ये किसका ग्राफ बना रहे हैं वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, तो ये तो हमारा फिक्स है 2, लेकिन एक्स क्या लिया हमने एफ एक्स लिया यहाँ पे एक्स, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन है, देखो वाई एक्स इसके आगे एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो पे ही बनेगा, इधर कुछ भी ग्राफ नहीं बनेगा इसका, ठीक है, तो इसका डोमेन अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन हो गया इसका कितना, डोमेन ऑफ इसका डोमेन हो गया जीरो, अब जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जीरो टू इनफाइनाइट रेंज, रेंज में तो क्या बात है कि ये देखो माइनस इनफाइनाइट से उठना शुरू कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है और चलता ही जाएगा, कोई एक्स ही वैल्यू रखते जाएंगे ऊपर उठता ही जाएगा, यानी कि रेंज तो क्या होगी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है, हाँ, तो ये किसका ग्राफ हो गया लॉग एक्स का, लेकिन इसमें बेस हमने कैसा लिया है वन से बड़ा, वन से छोटा बेस लगे तो कहानी फिर बदल जाएगी, ठीक, ये लॉग एक्स और हम इस पर लिखते हैं ए, लॉग एक्स बेस ए, जहां पे ए कैसा है ग्रेटर देन वन है, ठीक, लेकिन ध्यान दो अगर हम ग्राफ बनाए किसका लॉग एक्स, लॉग एक्स बाई इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स बेस लेकिन कैसा है वन से छोटा है, वन से छोटा है तो ये क्या होगा वन से छोटे पे ये जीरो पे तो प्लस इनफाइनाइट होगा, वन पे जीरो होगा, लेकिन फिर उसके बाद में ये ऐसा ही ग्राफ होगा, लेकिन जो ऐसे ऊपर गया वो ऐसे नीचे आएगा, लेकिन 1,0 दोनों में ही कॉमन होगा, ठीक, तो ये तो लॉग जीरो की वैल्यू देखो ध्यान दो प्लस इनफाइनाइट, लॉग जीरो की वैल्यू क्या माइनस इनफाइनाइट, इसमें बेस क्या है ये वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है बेस ए, लेकिन ए कंपल्सरी क्या है जीरो से बढ़ के बीच है, तब ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, अगर हम ये देखें तो ये ग्राफ क्या ऊपर चल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊपर चल रहा है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, और ये नीचे डाउन में जा रहा है तो ये होगा डिक्रीजिंग, ठीक, तो ये लॉग एक्स के ग्राफ है, ठीक, अब इसके आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी वो तो पूरा ही हो गया, तो अब हम क्या करते हैं कि आगे ये दोबारा हमने ग्राफ बना लिया है, और साइन ऑफ लॉग, लॉग कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, अगर उसके
बेस में और ये दोनों चीजों पर वेरिएशन है, तब कब वो पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा इसको देखते हैं। तो देखो लॉग एफ एक्स बेस जी एक्स पॉजिटिव होगा आपका, क्यों ध्यान दो कि देखो जब एक्स यानी कि लॉग को जो भी वैल्यू दी जा रही है, यहाँ पे एफ एक्स दी जा रही है, जो भी वैल्यू दी जा रही है वो कैसी हो, वन से बड़ी हो, तो लॉग एक्स कहता है पॉजिटिव है, लॉग एक्स पॉजिटिव है, वन से पहले लॉग एक्स कहता है नेगेटिव है। वाई वाई नेगेटिव मतलब लॉग एक्स नेगेटिव, ठीक है, वाई पॉजिटिव मतलब लॉग एक्स पॉजिटिव, तो एफ एक्स वन से बड़ा है, ठीक है। लेकिन बेस देखो जी एक्स, ये कैसे बेस के लिए, यहाँ पे ए कहता है वन से बड़ा है, यानी कि बेस भी वन से बड़ा हो और एफ एक्स दोनों चीजें वन से बड़ी हो, दोनों चीजें वन से बड़ी हो तो क्या होगा, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, ये एक्सप्रेशन यानी कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही वन से बड़े होने चाहिए। लेकिन इधर इसमें देखें बेस अगर वन से छोटा है तो देखो एक्स भी वन से छोटा है तो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब है, जब बेस वन से छोटा है और एक्स भी वन से छोटा है, यानी कि एक्स तो यहाँ पे क्या हमारा इसको ये दे रहे हैं एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही चीजें वन से छोटी होनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के बात है ये कि ये दोनों ही अगर वन से छोटे हैं या दोनों ही वन से बड़े हैं, दोनों ही वन से छोटे हैं या दोनों ही वन से बड़े हैं तो क्या होगा, हमारे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक वन से छोटा और एक वन से बड़ा हो, जैसे कि एफ एक्स ग्रेटर देन वन और जी एक्स जीरो वन के बीच में, या फिर और एफ एक्स जीरो वन के बीच में और जी एक्स वन से बड़ा, तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इसको थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, जैसे कि लॉग ठीक है बेस टेन और ये वन अपॉन हंड्रेड, वन अपॉन हंड्रेड, अब वन अपॉन हंड्रेड तो कितना है, वन से छोटा है, अब एक चीज वन से छोटी है एक चीज वन से बड़ी है, तो वन अपॉन हंड्रेड को लिख सकते हैं कितना, 10 की पावर माइनस टू, वन अपॉन हंड्रेड को कितना लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस टू, और ये माइनस टू लॉग 10 बेस 10 ये 1 हो गया, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई माइनस टू, ठीक है। कब आई, जब एक चीज 1 से छोटी और एक 1 से बड़ी है, ठीक है, जीरो से तो बड़ी होनी है कंपलसरी, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है। इसमें लॉग का साइन हम इसी से देखते हैं, बाकी उसमें इससे पहले जो इक्वेशन थी, तो इससे पहले जो लॉग का एक्सप्रेशन था वो डिफाइन कब होता है, वो डिफाइन तब होता है जब एफ एक्स कैसा हो, एफ एक्स पॉजिटिव हो, जी एक्स भी पॉजिटिव हो, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए और जी एक्स वन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करके हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो इसको हटाता हूं मैं, चलो पहले एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो जैसे कि x to the power log x base 2 minus 1, ये x की पावर है, ठीक है, इक्वल टू 64 के इक्वल। तो इसमें हम दोनों साइड में log लेते हैं, log x to the power log x बेस 2 माइनस 1 और ये कितना लॉग 64, बेस हम दोनों तरफ जो लॉग लिया उसमें बेस लॉग ऑपरेट कर दिया दोनों एक्सप्रेशन पर, इक्वेशन के दोनों साइड, ठीक। हाँ तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है, एक्स की पावर है, तो एक्स की पावर आगे इनटू हो जाएगी, तो ये देखो लॉग एक्स बेस 2 माइनस 1 इनटू लॉग एक्स बेस 2 और ये देखोगे तो 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 6 आगे आ जाएगा 6 log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। log x बेस 2 को हम t मान लेते हैं, ये देखो ध्यान दो log x into log x करोगे तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर 2 माइनस log x बेस 2 इक्वल टू 6। अब देखो ये वो बात आ गई क्या कि ये देखो log x स्क्वायर नहीं है, log x का होल स्क्वायर है, log x स्क्वायर ये होता है, log x स्क्वायर को हम देखें तो क्या है, log x स्क्वायर log x into x ये, लेकिन log x का होल का स्क्वायर इसका मतलब है log x into log x, ठीक है। ये इन दोनों में फर्क होता है क्या, गलती से आपने वो उसी प्रॉपर्टी को कल, यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कुछ बच्चों को, लेकिन ध्यान रखना है होनी नहीं चाहिए, ठीक।
अब ठीक है, अब तो ये क्या हो गया, अब इसमें log x को t मान लेते हैं, let t equal to कितना, log x raise 2, तो ये t square minus t equal to 6, यानी कि t square minus t minus 6 equal to 0, यानी कि t minus 3 और t plus 2, ठीक है, हाँ minus 3, ठीक है, ये हो गया, एक वैल्यू तो आ गई t की, कितनी t minus 2 t, ठीक है, एक सेकंड के t minus 3 t plus 2 t minus 3, ठीक है, ठीक है, तो एक वैल्यू तो आ गई t equal to कितना 3, एक वैल्यू आ गई t equal to 3, अब t equal to ही 3 आया, ठीक है, और एक आ गया t equal to कितना minus 2, तो इसमें हम t की वैल्यू पुट करेंगे, t क्या है हमारा log x raise 2, log x base 2 equal to 3 और ये log x base 2 equal to कितना minus 2, अब इसको देखा तो ये क्या है 2 to the power, अब इसको हम exponential form में लिखें, x, अब हमें x का solution चाहिए, अब power क्या है ये नहीं चाहिए, तो अब हम क्या 2 base 2 लेते हैं, ठीक है, और ये पूरी power हो जाएगी, log क्या होता है power, तो 2 की power 3 equal to x, और यहां से देखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा सॉल्यूशन हमारा, यहां से आ जाएगा 2 की पावर माइनस 2 इक्वल टू x, तो ये तो x इक्वल टू आ गया 8 और दूसरा x इक्वल टू आ गया 2 की पावर माइनस 2 का मतलब 1 अपॉन 4, ये दो सॉल्यूशन आ गए, ठीक है, हां फाइनली एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक, एक इक्वेशन देख लो बेटा, इन इक्वेशन ये है कि log x minus 1 और ये 4 minus x इसको greater than 1, इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन करना है, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो 4 minus x कैसा होना चाहिए, greater than 0 होना चाहिए, इसका मतलब x is less than 4 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको x को दर आएंगे, x is less than 4 एंड साथ में क्या कि 4 minus x क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 4 minus x 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा ये कि x should not equal to 3, x 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड साथ में x minus 1, ये जो x minus 1 है ये भी कैसा होना चाहिए, greater than 0 होना चाहिए, यानी कि x is greater than 1, ठीक, ये हमारे पास में हमने सबसे पहले क्या किया, ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये बन भी नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन हमने लगा दी, तो इस सारी कंडीशन का सॉल्यूशन क्या, इधर बनाते हैं हम, ये 1 है तो x 1 से बड़ा होना चाहिए, x 4 से छोटा होना चाहिए, x 3 नहीं होना चाहिए, 3 आएगा तो उसे सॉल्यूशन से हटा देंगे, अब इसमें ज्यादा वो नहीं करते हैं, ठीक, अब लेकिन अब इसमें अलग-अलग केस बनेंगे, केस 1 केस क्या बनेंगे कि बेस जब 1 से छोटा होता है तब लॉग का बिहेवियर अलग होता है, 1 से बड़ा होता है अलग बिहेवियर होता है, तो हम केस 1 में क्या करते हैं 4 minus x कैसा 0 से 1 के बीच लेते हैं, 0 से 1 के बीच लेते हैं, तो x हमारा कितना हो जाएगा 3 to 4 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 3 से बड़ा 4 से छोटा कैसे हो जाएगा, ठीक है थोड़ा देख लो, 4 minus x greater than 0 less than 1, ठीक है 1 सब तरफ से 4 को क्या किया हमने माइनस कर दो, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 यानी कि 4 से 4 खत्म हुआ, माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन, ये तो ये 0 से 1 के बीच ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच, ठीक है, तो माइनस 4 आएगा इधर, इधर आएगा माइनस 4 और इधर आ जाएगा माइनस 3, यानी कि x कितना हो गया 3 टू 4, एक्चुअल में माइनस साइन से इनटू करेंगे तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया इधर आएगा, और ये इन इक्वेशन में बताया ये मैंने सब कुछ, ठीक है, हाँ लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक, तो अब इस सॉल्यूशन के लिए ये इंटरवल बना लेते हैं हम 3 टू 4, ये लगभग 3 ले लिया, ये 4 ले लिया बिना टेंशन के, ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि 4 को इधर मत कर देना, 3 को इधर कर दो, 3 कम होता है 4 ज्यादा होता है, बाकी अब हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में क्या है कि ये हमारा log x minus 1 और ये कितना 4 minus x is greater than 1, तो देखो 1 को हम
ये लिख सकते हैं log 1 की जगह लिख सकते हैं log x माइनस 1 की जगह, सॉरी log 4 माइनस x, 4 माइनस x और 4 माइनस x का बेस में, दोनों तरफ बेस कैसा हो गया, एक जैसा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये दोनों सेम है तो ये तो 1 हो गया हमारा। अब इस केस में बेस कैसा ले रहे हैं, 1 से छोटा ले रहे हैं, 1 से छोटा बेस ले रहे हैं तो क्या होगा, 1 से छोटे बेस में x माइनस 1 और 4 माइनस x में कंपेरिजन करें तो इसके कंपेरिजन में साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में, x को इधर लाए 2x और 1 को इधर ले गए, यानी कि 2x इज लेस देन 5, यानी कि x इज लेस देन 5 बाय 2, x इज लेस देन 5 बाय 2, अगर यहाँ पे देखें तो 5 बाय 2 तो 3 से भी कम होगा, इससे लेस मतलब ये 5 बाय 2, यानी कि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये सॉल्यूशन क्या होगा, वैलिड नहीं होगा ये वाला सॉल्यूशन। अगर ये इसमें कुछ इंटरसेक्शन होता तभी तो ये सॉल्यूशन बनता, हम कह रहे हैं कि x 5 by 2 से छोटा होना चाहिए, जबकि x हमें लेना केवल क्या है 3 से 4 के बीच में लेना है, इसमें 3 से 4 के बीच कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि ये सॉल्यूशन वैलिड नहीं है। अब सेकंड केस देखेंगे हम, केस नंबर 2, केस नंबर 2, जबकि हमारा क्या है बेस 4 माइनस x, बेस जो 4 माइनस x है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 से बड़ा, यानी कि x उधर ले गए, यानी कि x x इज लेस देन 3, इससे आगे क्या हमारे पास x 3 से कम होना चाहिए, x 3 से कम, इसको भी नंबर लाइन हम मार्क कर लेते हैं 3, यानी कि हम इस केस के लिए सॉल्यूशन करें जो 3 से छोटे सॉल्यूशन होंगे वही वैलिड होंगे, ठीक है। अब हम फिर से वही काम करते हैं, log x माइनस 1 और ये कितना 4 माइनस x, दिस इज ग्रेटर देन व्हाट 1, और 1 को लिख सकते हैं कितना log 4 माइनस x, 4 माइनस x बेस में, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया, लेकिन यहाँ पे हम ये log हटाएंगे x माइनस 1 और 4 माइनस x, इसमें देखेंगे ये 4 माइनस x और ये x माइनस 1, इसमें देखेंगे बाकी चीज तो सेम है तो उसको हमने हटा दिया, लेकिन हटाएंगे तो किस चीज का ध्यान रखेंगे, बेस 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा बेस होगा तो ये कंपलसरी साइन ऑफ इक्वेशन एज इट इज ही रहेगा, एज इट इज रहेगा साइन ऑफ इक्वेशन, तो ये 2x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि इससे आ गया क्या, x इज ग्रेटर देन 5 बाय 2, x 5 बाय 2 से बड़ा, अब 5 बाय 2 से बड़ा ये 3 से पहले यहाँ पे होगा 5 बाय 2, ठीक है, तो x 5 बाय 2 से बड़ा ये, तो 5 बाय 2 से और 3 से आगे जा नहीं सकते, यानी कि 5 बाय 2 टू क्या 3, 5 बाय 2 टू 3, 5 बाय 2 कैसा, ठीक है 3 इसमें हमें निकालना है, निकला हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यही सॉल्यूशन आ जाएगा फाइनली, ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, यानी कि ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ सॉल्यूशन होता तो वो इसके साथ यूनियन कर देते, क्या कर देते दोनों केस का, या तो ये बात हो या वो बात हो, तो आइदर और के लिए क्या करते यूनियन, अगर यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन आता तो इसके साथ यूनियन करते, अब कुछ भी जरूरत नहीं है, यही फाइनल आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब फाइनल एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन और कर लो, तो क्वेश्चन छोटा था है लेकिन उसको कर लो, बाकी छोटे बड़े क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ये क्या है लॉग, क्वेश्चन है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 बेस 4, लॉग x माइनस 1, x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू लॉग x माइनस 3 बेस 2, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो मान लो आप कुछ भी ध्यान नहीं देते हो, ऐसे ही सॉल्व करने लगते हो, लॉग x माइनस 1 और ये 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना 2, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड हो जाती है, लॉग x माइनस 3, 2 का आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो log x माइनस 1 और ये 2 log x माइनस 3, दोनों तरफ अब बेस तो आपने 2 कर लिया, 2 ये आगे इसमें पावर में लगा दो, अब बेस 2 है तो आप ये और ये बराबर कर सकते हो, कर दो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो हो चुकी है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 1 और ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, जो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस
7x plus 10 equal to 0, जो x minus 2 और x minus 5 दो solution आ गए इसके, तो x equal to 2 और x equal to 5 दो solution हुए, ठीक है। अब बात यह है कि x equal to 2 और x equal to 5 solution आ गए, आपने ध्यान दिया नहीं कुछ भी, क्योंकि ध्यान देना था आपको कि x minus 1 भी कैसा होना चाहिए हमारा, greater than 1 होना चाहिए, x minus 1 भी greater than 0 होना चाहिए, और x minus 3 भी कैसा होना चाहिए, greater than 0 होना चाहिए, ये दोनों बातें होनी चाहिए, यानी कि x 1 से भी बड़ा होना चाहिए एंड x 3 से भी बड़ा होना चाहिए, दोनों बातें हो, 1 से भी बड़ा हो और 3 से भी बड़ा हो। तो ये देखो ये 1 है, x equal to 1 और ये 3 है, तो दोनों से बड़ा यानी कि 1 से भी बड़ा, 3 से बड़ा, यानी कि ये रीजन हो गया हमारा, इस रीजन में जो सॉल्यूशन आएगा वही एक्सेप्टेबल होगा। अब इस रीजन में देखो 2 आ रहा है क्या, 2 तो नहीं आ रहा, देखो 2 तो यहां पे ही होगा, ठीक है, 5 यहां पे ही होगा, 5 आ रहा है, यानी कि 5 भी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा, यानी कि शुरुआत में आपको ये रीजन लेना है और इसमें जो सॉल्यूशन आ रहा है वही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लॉग है, तो लॉग में मैंने जो भी बेसिक है लॉग का वो सारा बताया। अब ये लॉग टेबल वगैरह देखना वो अलग चीज है, वो आप सीख लेना किताब से, बुक से सीखना है वो आपको, ठीक है, लेकिन ये लॉग के ऑपरेशन कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, इसका ग्राफ वगैरह वगैरह ये सब कुछ आपको बताया गया है डिटेल में, ठीक। बाकी इसके क्वेश्चन है तो ये कुछ क्वेश्चन तो मैं लॉग के एक एक्सरसाइज है वो कराऊंगा, लॉग के क्वेश्चन कराऊंगा, वो अलग उसका लेक्चर होगा, ठीक है। बेसिक ये है लॉग का, तो ये लेक्चर अब यहीं पे ख़त्म करते हैं।